अजान इज़ अ बैड बॉय, नहीं आएगा वो आज, किसी से बात नहीं कर रहा, उसे आज गुस्सा आ रहा है। बच्चे अभी खेल कूद कर आकर बैठ गए हैं और बहुत गर्मी है, अब तुम लोग रूम में आ जाओ, आराम से रेस्ट करो, रूम में आ जाओ रेस्ट करो। अगर इसके डेवल बन जाते हो सब लोग जब रोने पर आते हैं सबके सब। वेरी गुड। टुडेज डिनर हमारा रेडी हो चुका है, हमारा खिचड़ा है, बिरयानी है, करते हैं डिनर, मिलते हैं आपके बाद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो अभी घड़ी में 1 बज रहे हैं और मैं रेडी हो गई हूँ। फिलहाल तो आज संडे है, सब लोग घर पर हैं, हस्बैंड भी आए हुए हैं बरेली, तो बस घर से कॉल आ गई थी कि नसीब भाई को साथ लेकर आइए, क्योंकि काफ़ी दिन से हम लोगों ने गेट टुगेदर नहीं किया है। सब लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं और स्पेशली दावत रखी गई है, नसीब को बहुत ज़्यादा पसंद है खिचड़ा, तो भाभीयों ने खिचड़ा भी बनाया है और बाकी सारी चीज़ें भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। काफ़ी मस्ती और फन होने वाला है हमेशा जैसे घर पर होता है, क्योंकि मेरे भतीजी भतीजे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं मुझे देख कर। तो बस रेडी हो गई हूँ, अभी निकल रही हूँ और काफ़ी अच्छा ब्लॉग होने वाला है। इसी के साथ साथ जिसने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी बाकी वीडियोस को भी खूब एंजॉय करिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, धूप बहुत तेज़ है, लेकिन एंटरटेनमेंट तो हमेशा चलता ही रहेगा, मस्ती भी चलती रहेगी, ये तो हर साल होना है। सारी चीज़ें गर्मी को साइड रखते हैं और फिलहाल तो इन्जॉय करते हैं, जा रहे हैं घर पर और सारे क्लिप्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। तो व्यूअर्स बस रेडी हो गई हूँ, अब निकल रही हूँ और हयात तो बस अभी चिप्स ही खा रही हूँ क्योंकि उन्हें लग रही है बोले हयात। तो व्यूअर्स बस अभी मैं निकल रही हूँ और बच्चे भी रेडी हो गए हैं। और हयात तो बगैर आइसक्रीम खाए इस एरिए से निकलती ही नहीं है, उन्हें आइसक्रीम खाने ही खानी है। मैं घर आ चुकी हूँ, बच्चे बहुत ज़्यादा हमेशा की तरह एक्साइटेड हो गए हैं मुझे देखकर। अगर इसके डेवल बन जाते हो सब लोग जब रोने पर आते हैं सबके सब। वेरी गुड। बस अभी लंच पे बनी हुई है वाइट वाली तहरी और येलो वाली तहरी और सबके सब फ़ोन पर लगे हुए हैं। यहाँ पर भाई भी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अभी करते हैं लंच, फिर मिलती हूँ मैं आपसे बात। बच्चे अभी खेल कूद कर आकर बैठ गए हैं और बहुत गर्मी है, अब तुम लोग रूम में आ जाओ, आराम से रेस्ट करो, रूम में आ जाओ रेस्ट करो, बहुत गर्मी हो रही है। हाँ तो यहाँ पर गर्मियों का शरबत भी आ चुका है और अभी पीते हैं शरबत, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और हयात आ गई सबसे पहले। हयात तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम नहीं पियोगी। One hour later. मेरा क्या हाल था और अब क्या हो गया, मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई हूँ और बस अभी चाय वगैरह पीकर बैठ। यहाँ पर शाम को अभी बच्चे खा रहे हैं हमेशा की तरह, अपने लिए चिप्स वगैरह लाए, नमकीन लाए हैं और शैतानी कर करके सबको बहुत ज़्यादा भूख भी लगने लगी थी। हाँ है, सुबह सभी घड़ी में 8 बज चुके हैं और आज पूरा दिन मैंने बहुत ज़्यादा रेस्ट करा, क्योंकि घर आ जाती हूँ तो काफ़ी रेस्ट करने को मुझे मिल जाता है, अदरवाइज़ घर पर होती हूँ तो पूरे टाइम कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है। फिलहाल तो अभी डिनर प्रिपेयर हो चुका है, डिनर में क्या बना है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर हस्बैंड भी आ चुके हैं, बहुत मुश्किल से आए हैं, और यहाँ पर हमारा डिनर भी लग चुका है, अभी करते हैं डिनर। तो वे उस डिनर लग चुका है, बिरयानी आ चुकी है, खिचड़ा भी आ रहा है हमारा और साथ में दही भी, और बच्चे तो एज़ यूजुअल फ़ोन देख रहे हैं, दैट इज़ वेरी बैड हैबिट। अभी करते हैं डिनर, यहाँ पर खिचड़ा भी आ चुका है। तो वे उस डिनर हमारा रेडी हो चुका है, हमारा खिचड़ा है, बिरयानी है, करते हैं। तो यहाँ पर अब भाभी लोग खाने बैठी हैं, सबको खाना खिलाकर अब उन्हें वक्त मिला है खाना खाने का। और ये रही दूसरी भाभी जिन्होंने बिरयानी बनाई है और इन्होंने बनाई है आज खिचड़ा, जो उनके हाथ का बहुत फेवरेट है, सबको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आइसक्रीम आ गई है और सब लोग अब खाएंगे आइसक्रीम, और यहाँ पे हिफ्जा भी आइसक्रीम खाने जा रही है। चॉकलेट वाली खाओगी, मैंगो चॉकलेट वाली, ठीक है जाओ।
और यहाँ पर हमारी सिस्टर भी आई हुई हैं, वो फंक्शन में जा रही हैं, उन्हें हेयर स्टाइल बनवाना है भाभी से। माशाल्लाह अच्छी लग रही हो जान। पप्पू जा रही हैं, ठीक है, अब आप आना घर पर, ठीक है, अल्लाह हाफिज। बाय 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 बाय। ये जाते जाते भी लड़ाई हो रही है। हाँ पप्पू जा रही, ऐसा लग रहा है। The next day. तो व्यूज अभी घड़ी में 7 बज चुके हैं और हयात आज बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो ऑलमोस्ट 6 दिन बाद स्कूल जा रही हैं, तो वो काफ़ी अपसेट हैं कि मेरा वर्क कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है और मैम डांटेंगी एंड एक्स वाई जेड। फिलहाल तो अभी वो स्कूल जा चुकी हैं और ये रहा मेरे घर का व्यू। प्लांट्स काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं और फ्लावर्स भी आ रहे हैं और ये रही बर्ड्स जो इसके अंदर कलियां आ चुकी हैं और काफ़ी फ्लावर्स आएंगे, वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो अभी घड़ी में 12:30 बज रहे हैं और आज तीनों बच्चे स्कूल गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हयात की तबीयत पहले से काफ़ी बेटर है, बट स्टिल शी इज़ क्राइंग इन द मॉर्निंग कि मम्मा मैम मुझे डांटेंगी मेरा कहीं वर्क कम्प्लीट ना हो। इनफैक्ट मैंने उनका सारा वर्क भी कम्प्लीट करवा दिया है, लेकिन उनको 6 दिन से जो छुट्टियाँ मिली थी ना उसमें उनका मन स्कूल जाने का नहीं कर रहा था। और सुबह लिटरली शी वॉज क्राइंग कि मम्मा मेरी क्लास में कहीं मैम मुझे डांटे ना, और एक्स वाई जेड उनकी कहानियाँ तो हमेशा रहती हैं। फिलहाल तो मैंने उन्हें थोड़ा चुप कराकर मैंने कहा नहीं बेटा, यू हैव टू गो टू स्कूल, क्योंकि 6 दिन की छुट्टियाँ हो चुकी हैं और आपका वर्क भी पेंडिंग हो जाएगा। तो बहुत मुश्किल से वो स्कूल गई हैं। फिलहाल तो कल हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया और तो व्यूअर्स बिरयानी और बाकी सारी चीज़ें हैवी हैवी खा के मैं तो हो गई थी बोर। तो आज मैंने डिनर में बनाया है सिंपल सा खाना, दाल बनाई है और मूली की सब्ज़ी है, सैलेड है, रोटी है। अभी करती हूँ डिनर, फिर मिलती हूँ आपसे। और सच में आज मैं पेट भर के खाना खाऊंगी, हो सकता है थोड़ी एक्स्ट्रा रोटी भी खा लूँ आज मैं, क्योंकि बिरयानी और बाकी सारी चीज़ें खा के तो दिल अब भर चुका है। और सिंपल खाना तो मेरे यहाँ बहुत कम बनता है, बच्चों की वजह से बिल्कुल नहीं बना पाती हूँ। आज मैंने अपनी मर्ज़ी का खाना बनाया है तो मैं बहुत शौक से खाने वाली हूँ। एंड नाउ शी इज़ बेटर, उनको फीवर नहीं आया, लेकिन शी वॉज क्राइंग कि मम्मा मेरा कहीं इनकम्प्लीट वर्क ना हो, मैम मुझे डांटे ना, क्योंकि शी हैज़ टेकन ऑलमोस्ट 6 लीव। तो मैंने कहा नहीं बेटा, यू हैव टू गो टू स्कूल, और बहुत रो कर गई हैं। फिलहाल तो कल सबने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, काफ़ी फ़न किया और मैंने आपके साथ सारे क्लिप्स भी शेयर करे। आई होप आप लोगों ने वीडियो को काफ़ी इन्जॉय किया होगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अपनी एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।